बोत्सवाना में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हीरा मिला है। हाल ही में बोत्सवाना में एक आश्चर्यजनक खोज हुई है। यहाँ एक ऐसा हीरा मिला है जो अपने विशाल आकार और वजन के कारण दुनिया भर में सुर्खियों में आ गया है। इस हीरे का वजन 2492 कैरेट है, जो इसे एक सदी से भी अधिक समय में खोजे गए सबसे बड़े हीरों में से एक बनाता है। बोत्सवाना की खदानों में हीरा खनन के दौरान इसे निकाला गया है। ये 1905 में साउथ अफ्रीका में मिले 3106 कैरेट के कलिनन डायमंड के बाद अब तक का सबसे बड़ा हीरा है। हीरा उद्योग में बोत्सवाना का विशेष स्थान है, क्योंकि यहाँ से अक्सर हाई क्वालिटी वाले और बड़े आकार के हीरे मिलते रहते हैं। इससे पहले 2017 में बोत्सवाना की कैरो माइन में 1111 कैरेट का लेसिडी ला रोना हीरा मिला था, जिसे ब्रिटेन के एक जूलर ने 444 करोड़ रुपए में खरीदा था। बोत्सवाना दुनिया के सबसे बड़े डायमंड प्रोड्यूसर्स में से एक है। दुनिया के 20% हीरे का उत्पादन यही होता है, लेकिन इस बार का हीरा अपने आप में एक अद्वितीय है। 2492 कैरेट के इस हीरे की खोज न केवल इस देश के लिए बल्कि पूरे हीरा उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण घटना है। हीरे की पहचान 4C से होती है, इसी से उसकी वैल्यू भी लगाई जाती है। 4C यानी कलर, क्लैरिटी, कट और कैरेट। इस हीरे की खोज ने वर्ल्ड डायमंड मार्केट में खलबली मचा दी है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस हीरे की कीमत अरबों डॉलर हो सकती है। इसके अलावा ये हीरा रेयर होने के कारण ऑक्शन में भी बड़ी रकम में बिक सकता है। फिलहाल इस हीरे की सटीक कीमत और इसके संभावित खरीदारों के बारे में जानकारी नहीं मिली है। बोत्सवाना की सरकार और हीरा कंपनी जिसने इस हीरे की खोज की है, दोनों ही इसे लेकर बहुत एक्साइटेड है। इस खोज से देश की इकोनॉमिकल कंडीशन पर बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा है। इस हीरे की खोज से बोत्सवाना ने फिर से खुद को दुनिया के सबसे बड़े डायमंड प्रोड्यूसर देशों में से एक के रूप में स्थापित कर दिया है। वैसे बोत्सवाना के अलावा दुनिया में सबसे ज्यादा हीरा प्रोडक्शन करने वाले देश हैं रशिया, कनाडा, DRC, दक्षिण अफ्रीका, अंगोला, जिम्बाब्वे, नामीबिया, लेसोथो, सियेरा और लियोन। बहरहाल इस खबर पर आपका क्या कुछ कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें TV9 डिजिटल।